गाजियाबाद से हैं कमलिनी जी, हमारे साथ स्वागत है आपका। मैं बोल रही हूँ जी मैम। दंडवत प्रणाम है किंजी को। शैलजा जी आपको भी प्रणाम। प्रणाम मैम। किंजी मेरी पहले भी बात हुई थी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है और इतनी डिप्रेशन में रहती हूँ, नींद भी नहीं आती। आपने मुझे बताया तो मैंने लिखा था खसखस और ये दुनिया, मुझे क्वांटिटी मैंने लिखी पर मैं आत्मविश्वास के कारण में पता नहीं कर पा रही मैं ठीक लिखा या गलत। 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम खसखस, उसमें एक चुटकी चिलगोजा गोल, क्या मेरा ये ठीक लिखा था मैंने? और उसको आपने बताया था कि एक एक चम्मच लेना, आधा चम्मच कितना लेना है मैं नहीं समझ पाई, मुझे बता दीजिए। प्लस मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं बहुत गोल सिया ले रही, एक साल से बहुत आराम है, बहुत आराम है। 40 साल से दर्द था लेकिन दाहिने घुटने में थोड़ा सा चलते ही कट जाता है और सूजन भी है और मेरा बैलेंस बॉडी का पीछे को गिरती हूँ मैं, पता नहीं कि अक्सर ऐसा था पीछे को गिरती हूँ। और 75 केजी मेरा वेट था, 6-7 महीने के अंदर अंदर 66 पे आ गया। मेरा कमजोरी भी बहुत है, रात को 4-5 बार बाथरूम के लिए उठती, बाथरूम लीक कर जाता है, भागते भागते भी लीक करता, कभी कभी लैट्रिन भी लूज मतलब लीक कर जाती है। और मतलब ठीक है। अच्छा देखिए, सवाल आपके पहुंच गए, कॉल कट गई। देखिए जैसे भगवान ने आपको 20 साल पुराने दर्द से फायदा पहुंचाया गौन सियाह के जरिए, इसी तरह जो नुस्खा आपने लिखा है वो सही है। 200 ग्राम धनिया और 200 ग्राम खसखस खूब बारीक पीस के रखें और एक चुटकी में जितना गौन चिलगोजा है वो आप एक चम्मच में मिलाकर दिन में एक बार या दो बार ये ले लिया करें। खाने के बाद लेना अच्छा है और पानी या दूध से आप इसे सेवन कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस रखिए। देखिए पहले भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, भरोसा नहीं था, सबसे पहले तो खुद पर भरोसा कीजिए, फिर भगवान पर, और मुमकिन हो तो मुझ पर भी कर लीजिए। मैं जो भी नुस्खे बताता हूँ घरेलू, ये अगर भगवान को मंजूर ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो हर शख्स को फ़ायदा भगवान ही देता है। और डिप्रेशन भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। एक महिला अपने ऐसे हालात से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचती है जहाँ तक आप पहुँचे हैं कि वो सबकी तकलीफ़ें तो सुनकर उनका निवारण कर देती है लेकिन अपनी तकलीफ़ बताने से भी हिचकिचाती है। मैं जानता हूँ महिलाओं का जो मिजाज होता है वो ये है कि सबकी तकलीफ़ें हर ले लेकिन अपनी तकलीफ़ छुपा ले। और जब हम ज़्यादा अपनी तकलीफ़ें छुपाने लगते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कोई अपना हो तो उससे अपनी तकलीफ़ कह दिया करिए और ये नुस्खा लीजिए। मुझे उम्मीद है आपका फिर फ़ोन आएगा कि आपके इस रोग में भी भगवान ने फ़ायदा दे दिया है। जी हकीम साहब, यूरिन भी लीक हो जाता है इनका? हाँ, यूरिन जिन लोगों का लीक हो जाता है तो ये जो गौन चिलगोजा आप लेते हैं ये ले लिया करिए, बस एक चुटकी, और इस नुस्खे के साथ ही ले लिया करिए। मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में इस शिकायत से भी इसी नुस्खे से फायदा मुमकिन है। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ मैम। जी जी बताएं सर, सवाल करें। ये सवाल मैडम, मेरे यहाँ की जो मिसेज है उसके हाथ पर में बहुत खुजली हो रही है और दाने दाने आ गए हैं। उम्र कितनी है उनकी?
इनकी है मैम वही 38 साल है, 38। ठीक है, 38 है मैडम। ठीक है जी। हाँ देखिए, आपके यहाँ की जो मिसेज है वो एक चुटकी सोडा जो खाने का होता है वो समझ जाएंगे आप उनसे कहेंगे तो, एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला के घोल लें। और एक आता है गोंद चिलगोजा, गोंद चिलगोजा वो बहुत तेज़ होता है, असली खरीदें और एक चुटकी गोंद चिलगोजा खाकर और ये जो सोडे वाला पानी आप पी लिया करें रोज़ाना एक बार। अगर आपके यहाँ की मिसेज को ये नुस्खा समझ में आ जाए तो कुछ ही रोज़ पिएंगे, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। दादरी से हैं अगले कॉलर बबीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम, मैंने अभी ये वो पूछा था बच्चेदानी के लिए, तो मेरा सवाल रह गया था फॉर्म का, बच्चों से एक बात और पूछ रहे हैं कि ये जैतून का सुता भी ले सकते हैं क्या मैम? और मेरे हस्बैंड का पेट साफ नहीं होता, उसकी बहुत है, गैस बनती है। ठीक है मैम। और अरे एक सवाल है मेरे पति के लिए, उनके उनके लीवर में पेशानी हुई है, उन्होंने टेस्ट कराया है तो लीवर कम काम कर रहा है और उनका पेट साफ नहीं होता, तो ठीक है बहुत आती है। लीवर में प्रॉब्लम है? हाँ, ये डॉक्टर ने बताया कि कम ठीक है ठीक है। LFT टेस्ट कराया होगा? ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, वैसे लीवर फंक्शन टेस्ट होता है जिसे LFT कहते हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं करे तो एक चुटकी नमक जैतून रोज़ाना पानी में मिलाकर एक बार उन्हें दे दिया करिए, ये उनके लीवर के और फेल के लिए बहुत अच्छा है और पेट के लिए, जिसको लीवर में प्रॉब्लम होती है उसका पेट भी इम्प्रेस होता है, परेशानी पेट में भी होती है, तो इसीलिए एलोपैथ में लीवर का कोई डॉक्टर नहीं होता, पेट का डॉक्टर ही लीवर का इलाज करता है, पेट का इलाज करता है और लीवर अपने आप ठीक होता है। हालांकि यूनानी में लीवर की दवाएं भी हैं, तो एक चुटकी नमक जैतून पानी मिला के दिन में एक बार या दो बार दे सकते हैं। और ये अलहदा मर्ज है जो छींकें ज़्यादा आती हैं और कोई एंटी एलर्जिक दवाएं देने से, अगर कभी कभी छींकें आती इत्तेफाक से आने लगी है तो एंटी एलर्जिक दवाओं से ये छींकें बंद हो जाती हैं। और ये एक चुटकी नमक जैतून लेंगे तो पेट भी अच्छा होगा, मुमकिन है इसकी दवा की ज़रूरत ही ना पड़े जी। और मैंने उसका जवाब दे दिया था आपको, और ये सिरका आप लेते हैं अगर ले सकते हैं तो, नमक खाने का सोडा एक चुटकी से मिला कर लिया करें, और बच्चेदानी की परेशानी में एक चुटकी गोंद चिलगोजा और एक चुटकी नमक जैतून पानी मिलाकर ये इस्तेमाल किया करें तो आपकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं बिलासपुर से संगीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। संगीता जी स्वागत है आपका, जय हिंद जी। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, संगीता प्रजापति बिलासपुर से बोल रही हूँ जी। तो सर मैंने आपके यहाँ से ना दवाई मंगाई थी, आपके सीनियर डॉक्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने वो जीरे का सिरका और गोंद मोरिंगा बताया था, तो उसमें उन्होंने बोला था मैं लिख के दे दूंगा, लेकिन वो दे नहीं पाए। और मैं सर से पूछना चाहती हूँ, एक तो मुझे थायराइड है मोटे होने वाला, और मेरी एज 47 इयर्स है, और मेरे 3-4 ऑपरेशन हो चुके, तीन बच्चे हुए थे उसके, और अभी 3-4 साल पहले मेरी आंख ब्लॉक हो गई थी, तो उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ था।
एक तो मेरा पेट बहुत बड़ा है और वजन भी मतलब मोटापा है, पैरों में सूजन है, घुटनों में दर्द है, बहुत कोशिश करने के बाद कम करती हूँ लेकिन एकदम बढ़ जाता है। और डॉक्टर ने मुझे कह रखा मतलब ज्यादा हैवी दवाई नहीं ले सकती मैं, ठीक। तो सर से पूछना चाहती हूँ क्या खाऊं, और वो एक जीरे का सिरका और गोंद मोरिंगा आ गया है, जीरे का सिरका मैं लेती हूँ सुबह शाम, लेकिन गोंद मोरिंगा कैसे लेना और क्या दवाई लूं सर आप ये बता दीजिए प्लीज। ठीक है मैम जी, थायराइड भी बताया जी, थायराइड है और थायराइड की वजह से वजन बढ़ रहा है। तो देखिए थायराइड को कंट्रोल किए बगैर वजन कम करना नामुमकिन है, तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद आपके पास है नुस्खा लिख लीजिए, धनिया जो आपके किचन में सबके किचन में होता ही है, धनिया 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, और मेथी का दाना भी आप ज़रूर जानते होंगे, मेथी का दाना 100 ग्राम, और आंवला सूखा हुआ भी मिलता है, सूखा हुआ आंवला 100 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, सूखा हुआ आंवला 100 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, और ये 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इन सबको पाउडर बना लें, और एक चम्मच सुबह खाली पेट, आप गोली भी खाते होंगे उसके साथ में खा सकते हैं, उसके बाद में खा सकते हैं, उससे पहले खा सकते हैं, तो एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं, और इस पानी से ये जो चार चीज़ों का चूर्ण आपने या पाउडर बनाया है ये खा लिया करें सुबह, नाश्ते से पहले लेना है और रात को खाने के बाद लेना है, दो टाइम ही लिया करें, तो इससे आपका थायराइड कंट्रोल होगा, वज़न कंट्रोल होना चाहिए, दवा भी आप अपनी ना छोड़ें और 6-7 महीने खाएंगे तो वज़न भी आपका धीरे धीरे चर्बी और पेट वगैरह कम होता है। और गोंद सियाह एक ऐसा रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, कहीं भी दर्द हो, कमर में, पैरों में, टांगों में, डिस में, हाथों में, मोंढे में, कंधे में, ये दुनिया की सबसे अच्छी रॉ मटेरियल है किसी दर्द के लिए, तो गोंद सियाह को खाना होता है आधा आधा ग्राम, आपको गोंद सियाह दो बार खाने के बाद पानी से लेना चाहिए, और बेशतर लोग इसे दूध से लेते हैं लेकिन आपके लिए पानी से लेने की ताकीद करता हूं क्योंकि आपको थायराइड भी है जी। और जीरे का सिरका ये सुबह शाम ले रही हैं? हाँ, जीरे का सिरका भी आपको जब भी फ़ायदा करेगा जब थायराइड कंट्रोल होगा, गोली भी ना छोड़ें, ये नुस्खा भी लें, फिर देखिए आप तेजी से फायदा मुमकिन है। संतोष जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। मैडम हाँ जी, हकीम जी को मेरा नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हकीम जी, बहू के मुंह पे कुछ छाया सी है, काला काला सा, माथे पर, गलों पर, दोनों तरफ। उम्र कितनी है उनकी? उम्र 35 वर्ष। ठीक है मैम, एक सवाल और भी है जी। जी, मेरे पैर जमते हैं, उनके ऊपर क्या मैं आइस पैड लगा सकती हूँ? पैर क्या होते हैं? जलते हैं जी, जलन होती है पैरों में, जलन आती है बहुत ज्यादा, तो आइस कपड़ा नहीं सुहाता है जी, कपड़ा, ठीक है, पैरों पर कपड़ा लगता है तो वो भी नहीं सुहाता है। और रात को बेहद जलन, लेटने पर तो बस टिका नहीं जाता, पैरों को लटका लेती हूँ, नीचे बेड पर नहीं रख सकती। ठीक है, हाँ देखिए आप जो कह रही हैं वो कर सकते हैं पैरों के लिए, लेकिन ये जो पैरों की जलन की या कहीं और टांगों में जलन की बीमारी हो पिंडलियों में, तो इसका जो रिश्ता है वो हमारी क-
कमर की डिस्क से है, ये कमर की डिस्क नीचे का हिस्सा है ना, यहाँ पर नसें दब जाती हैं और आदमी समझ ही नहीं पाता। वो इतनी मामूली सी दबी होती है कि ये तकलीफ है क्यों। ये नसें दबने से चार तरह की बीमारियां होती हैं। एक दो बीमारियों को तो आदमी समझ जाता है, एक दो को नहीं समझता। देखिए, इससे पैरों में दर्द आता है या पिंडलियों में या थाइज में दर्द आता है, तो इसको आदमी आमतौर पर समझने लगा है कि ये कमर में नसें दबने लगी हैं। एक खिंचाव होता है बुरी तरह पैरों में या पिंडलियों में या थाइज में, उसको भी तकरीबन लोग समझने ही लगे क्योंकि मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ। दो रोग और होते हैं, एक तो पैरों का सुन होना या पैरों में जलन होना, ये नहीं समझ पाता। तो आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन गोंद स्याह आप खाएं आधा ग्राम रोज़ाना, दिन में एक बार या दो बार खाने के बाद। असली गोंद स्याह खरीदना ज़रूरी है। और एहतियात ये है कि वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें और वज़न ना उठाएं और झाड़ू पोछा ना करें, इलाज जब तक चले जब तक। बाकी किचन में खड़े होकर सारे काम कर सकते हैं आप, लेकिन मेहनत का काम को थोड़ा रोक दें। एक तो ये आपका इलाज। और बहू के काले निशान बता जी, रही जी, हाँ देखिए, उम्र तो उनकी इतनी नहीं है, लेकिन कैल्शियम की गोलियां खरीद लें, मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं, और एक हफ्ते में दो बार उन्हें कैल्शियम की गोली, दिन में बस एक बार दें और हफ्ते भर में दो बार दें कैल्शियम, और मल्टी विटामिन्स की टेबलेट या कैप्सूल खरीद लें और दूध से दें, और दिन में एक हफ्ते में दो बार दें, ये देकर देख लें। वरना ये तो चाहिए ही उनको। खैर, और गोंद आता है एक गोंद मोरिंगा सफ़ेद, जो चेहरे को अच्छा करता है, सफ़ेद करता है, सुर्ख करता है और काले कालिक को हटाता है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद एक ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर या दूध में मिलाकर या नारियल पानी के साथ, बस एक बार गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली एक बार ही खिलाना है, इससे भी बहू को फ़ायदा मुमकिन है।